तो दोस्तों हमारा जो भारत का काफिला है वो नौराधार पहुंचने वाला है और नौराधार से हम जाके जाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर वैली है जी। हाँ दोस्तों, एक बात कहना चाह रहा था विशेष, मुझे सतवीर जी की एक बात याद आ रही थी अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। और अपने मेरे साथ है भाई विजय छिंडा जी, आप देख सकते हैं। और सतवीर जी मुझे ने एक बात कही थी कि अपना एरिया हमें बहुत अच्छा लगता है, शायद हमें स्वार्थी कहे या हमें मगरूर कहे आप या फिर भाग्यशाली, या फिर भाग्यशाली बहुत या भाग्यशाली कहें। ईश्वर ने हमें ऐसी जगह के लिए चुना है कि जहाँ पर कुदरत ने जो है हमें एक सौगात बख्शी है। इस बारात के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं नौराधार का विहंगम दृश्य।
तापमान भी बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आप यहाँ का वातावरण देख सकते हैं, आपका अंदाजा हो जाएगा इस खूबसूरत परिदृश्य को देखकर कि कितना सभ्य है और आँखों को स्वाभाविक रूप से ठंडक देने वाला ये जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, शायद ईश्वर ने हमें हमारे पूर्व जन्म में हमने ऐसे कर्म किए थे जो ईश्वर ने हमें ये इनाम के रूप में ये सौगात हमें बख्श ली, क्यों गुरु जी? बिल्कुल। और क्यों नहीं, एक और बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए ये देखिए, यहाँ पर हमारे भाई बंधु खड़े हैं जो बारात के माध्यम से यहाँ आ रहे हैं। मेरी एक रचना की चंद लाइनें में इसमें कहना चाहूंगा कि ठीक है और मामा जी ने घुस दिया हमारे, बेशक जहां में जिंदगी कहीं भी गुजारिए, बेशक आसमान को जमीन पे उतारिए, लेकिन वहां पर खुदा ने आपको चुना है, पहले उस जमी को संवारिए। क्या बात है, बहुत तालियां हो जाए जी। ये सही बात है। हम पहुंच चुके हैं नौराधार और अभी तक विजय जी और नरेंद्र जी आपको नौराधार का विहंगम दृश्य दिखा रहे थे, तो अभी काफ़ी बारात आगे निकल गई है और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा आगे की ओर है। ब्लाइंड धार और कुछ ऐसे प्लेसेस आगे पड़ते हैं, पीढ़िया धार, बोंग धार, वहाँ से ऊपर जाएंगे और लाना दाना और जहाँ बारात जा रही है लाना चेता, तो वो काफ़ी सिरमौर की काफ़ी सुंदर जगह है, क्यों चाचू? जी हाँ बिल्कुल। और वो एक जिसको कहते हैं जो अग्रणी रहा है पूरे आपके हिमाचल प्रदेश में कहे या भारतवर्ष में अदरक के क्या नाम उत्पादन में तो नंबर वन है अभी तक वहाँ पर बहुत। और आपको हम वहाँ का दृश्य दिखाएंगे, आप देखते ही बनता है वहाँ का विहंगम दृश्य जो है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो अपने आप में जो है क्या कहते हैं हमारे हिमाचल या सिरमौर का जो है पंजाब कहा जाता है। बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी प्लेन जैसा एरिया है और गर्मी भी, तापमान वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा रहता है। ये नौराधार और चारना जो क्षेत्र है ये हाइट के क्षेत्र है, ये ऊंचाई पर है काफ़ी, लगभग 800 फीट, 8000 फीट की ऊंचाई पर है ये चारना और हरिपुर धार, और चूड़ धार तो लगभग 13000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये भी पूरा क्षेत्र नौराधार वगैरह 8000 फीट की ऊंचाई पर है, वो थोड़ा लो हाइट में है और वहाँ पर तभी उसे सिरमौर का पंजाब कहा जाता है। ऐसा विजय भाई और सुपाच्य देवित करो पहाड़ी की, राम राम जय विजय महाराज। उम्मीद चल रहे आज बुरत, एक बात बताओ चाहेंगे और माँ कम से कम 40-50 गाड़ी दे माटे ना है पुणे हो वो तो इसको शीशे पे नर के रागो जमीन है जर से बोली संगड़ भीतर लूंड में तोर चाहिए ना थी सजे तो ले रहे हो मेरे पुणे है पूरे हाल बाग के बताना बीजे को तू डबल पोड़े मार प्यारे बीजे भाई आपके लाग रहा पाछे तो देखो तू ये लिखड़ा लियो आप पे ये लिखड़ा रहो आपके घर पाछे देखो दी केरा खोर रहा धार से दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ, नवीन चिंटा फौजी और अपने बलवीर भाई। साथी जुड़े, हेलो बोल दो भाई साहब। हेलो, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर साहब है, एक फौजी साहब है, एक फौजी साहब है, देश के रक्षक, एक प्रेस रिपोर्टर है आपका गुड भाई विजय चिंटा जी, एक मास्टर है सतवीर जी, ये हमारे संवाददाता विजय और नवीक मंडल के प्रधान श्री नरेंद्र चिंटा जी, सारे पदाधिकारी बैठे हैं, गणमान्य लोगों की भीड़ है।
through the highway.